हिंदुस्तान की समझौता राजनीति के पहले अंदर हुआ था। तब्दीली लाने के लिए इस भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने के लिए इंडिया गठबंधन को मजबूत होना बहुत जरूरी है। और उस संबंध में मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर देश के अंदर बहुत बड़ी आबादी पूरे देश के अंदर अनुसूचित समाज की है, अगर गठबंधन हमारा किसी एससी के कैंडिडेट को आगे बढ़ाए प्रधानमंत्री के लिए बगैर इस बात को सोचे कि हमारा पार्टी बड़ी है, हमारा रहना चाहिए, उनकी पार्टी बड़ी है वो रहना चाहिए, हमने 4,000-5,000 किलोमीटर पैदल चलकर पूरे भारत की यात्रा की है, हमारा हक बनता है। हक किसी का नहीं है, हक सबका है। मगर देश देखना यह है कि आज देश की राजनीति के अंदर भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से हराया जाए, इस सरकार को किस तरह से खत्म किया जाए। विधायक जी, तेलंगाना में जिस तरह से कांग्रेस ने एमआईएम का स्पीकर बनाया है अकबरुद्दीन ओवैसी को, तो क्या कांग्रेस जो है इंडिया गठबंधन में एमआईएम को शामिल करेगी ओवैसी की पार्टी को? पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं उसको जवाब ही दूंगा। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे का अगर ये इंडिया गठबंधन में वाले प्रधानमंत्री के लिए चेहरा कर दें, तो मैं समझता हूं कि देश की राजनीति के अंदर बहुत बड़ी करवट होगी और भारतीय जनता पार्टी देखती रह जाएगी। भारतीय जनता पार्टी तो दलित को बना चुकी है, राष्ट्रपति बनाया है, उसके बाद राष्ट्रपति के बारे में आप क्या अनभिज्ञ हैं? आप नहीं जानते हैं, सारी पावर्स जो हैं वो प्रधानमंत्री के हाथ में होती हैं। प्रधानमंत्री ही देश का हेड होता है, प्रधानमंत्री ही संसद के अंदर कानून बनाते हैं और कानून के अंदर संशोधन करते हैं। तो बीजेपी ने तो अभी आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया है, एक सवर्ण को मुख्यमंत्री बनाया है, कुलदीप को मुख्यमंत्री बनाया है। मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा मैं, देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं। देश की राजनीति के अंदर अनुसूचित जाति का बहुत बड़ा रोल है, और कोई भी प्रदेश ऐसा होगा जहां कम से कम 20 से 30% तक इनकी आबादी ना हो। और हमने ये देखा है अपने राजनीति के 50 साल के करियर के अंदर कि जहां कहीं भी इस तरह के नेता आए हैं, जैसे जगजीवन राम जी आए या उनके बेटा आया, आजकल बहुजन समाज पार्टी है, तो इन लोगों के साथ में बिरादरी जुड़ती है। और जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम कहते यही हैं कि हम सब मिलकर जब लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को हारने का काम समाजवादी।